हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बस मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए, इसलिए कि इसके बाद अब मैं जाऊँगी मार्केट। सॉरी, मैं मार्केट में ही हूँ बट पहले मैं पार्लर आ गई हूँ, इसलिए कि दीपावली 2-4 दिन के बाद ही अब आने वाली है। तो बस अब थ्रेडिंग करवा लो और बस उसके बाद ही मैं मार्केट की कुछ शॉपिंग भी करने वाली हूँ, इसलिए कि कुछ मुझे चीज़ें लेनी है दीपावली के लिए। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पूरी वीडियो तो नहीं कैप्चर कर पाऊँगी, इसलिए कि मुझे सामान चूज करने में या फिर वो सब में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए चाहे जितना हो सके मैं वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मैं पार्लर में आ गई हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए। मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करवाना है, मैं सिर्फ थ्रेडिंग अपर लिप्स और फोरहेड करवाऊँगी। और हेयर कटिंग अभी मैंने दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले ही करवाई थी और मैंने बहुत ही छोटे बाल करवा लिए थे जानबूझकर, ताकि मेरी दीपावली आराम से निकल जाए, इसलिए मैंने बाल छोटे करवा लिए थे। बस यहाँ पे मैं थ्रेडिंग अपनी करवा रही हूँ, अब बस अब मेरी थ्रेडिंग कंप्लीट ही होने वाली है और इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी अपनी दिए वगैरह और भी कुछ कुछ सामान खरीदना है दीपावली का, तो वो सारे वीडियो में कैप्चर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिए लेने के लिए आ गई हूँ और ये हैं ये दिए, देख लीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप पे और ये देखिए, ये एक नेकलेस का सेट है फ्रेंड्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये डायमंड का है बट ये डायमंड का नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं डायमंड का सेट खरीदूँगी, बट इसका जो लुक है वो डायमंड की तरह है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और मैंने इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा कि ये आर्टिफिशियल है, इसकी प्राइस है 12,000 रुपये इसकी प्राइस है। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टिकर लेने लगी हूँ अपनी शुभ दीपावली के लिए। ये देखिए, ये कितनी सारी स्टिकर यहाँ पे पड़ी हुई हैं बट मैंने यही पसंद किया। अब देखिए आप लोग भी कि आप लोगों को कैसी लगी। और मैं फ्रेंड्स अपनी दिवाली की भी शॉपिंग की एक वीडियो शूट करूँगी मैंने सोचा है, अब देखिए मैं किस दिन करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये स्टिकर वगैरह मैं देख रही हूँ, इन सब से मैं कोई एक चूज कर लूँगी जो मुझे अच्छी लगेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो फ्लावर हैं जो कि मतलब कि हर तरह से डेकोरेशन में काम आते हैं। ये देखिए वो सारे स्टिकर, फिर ये मूर्तियाँ भगवान की, लक्ष्मी गणेश की, और भी बहुत सारे। ये देखिए ये फ्लावर, ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर है फ्रेंड्स, आप चाहे तो अपना घर इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये वो पेपर है जो कलरफुल पेपर होते हैं जिसे हम लोग अपना डेकोरेशन करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दुकानें कितनी अच्छी सजी हुई हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं ये सारे चीज़ें अपने घर उठा कर लेके चली जाऊँगी। ये देखिए कि ये सारे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, बट मैं वही लूँगी जो मुझे चाहिए। और ये देखिए, मैंने ये येलो कलर का चूज किया है इसलिए कि मैं हमेशा रेड ही लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं येलो लूँगी। और ये देखिए, ये सारे कितने अच्छे हैं, आप अपने दरवाजे पे लटकाने के लिए ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ और भी चीज़ें ली हुई हैं फ्रेंड्स। अभी अब मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैंने बहुत सारी ख़रीदारी की है, मैं इसकी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताइएगा कि मैंने जो भी सामान ख़रीदा है वो आप लोगों को कैसा लगा। और मैं अभी बहुत ही थक गई हूँ फ्रेंड्स, सही बता रही हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं मार्केट से आने के बाद ही एक वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों के साथ सारी ख़रीदारी जो मैंने की है वो आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। और मैंने बहुत सारे सामान किया, शॉपिंग की है और इतने सारे सामान बाजार में थे ना कि सच बताऊँ तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। एकदम मैं तो बिल्कुल इतनी एक्साइटेड भी हो रही थी और इतनी खुशी हो रही थी ना कि एकदम लग रहा था कि हाँ दीपावली बिल्कुल आने वाली है। और फ्रेंड्स, अभी अब मैं घर आ गई हूँ, सारा सामान इसी तरह थैले में ही रखा हुआ है, अभी मैंने उन्हें बाहर भी नहीं निकाला है। और आदि बार बार बोल रहा था कि मामा आपने क्या क्या लिया है, तो बस मैंने उसके लिए कुछ चिप्स कुरकुरे केक ले लिया था, इसलिए कि थोड़ा वो गुस्सा हो जाता ना अगर मैं कुछ नहीं लेकर आती तो, कि मम्मा इतना देर तक मैं आपके बिना रहा और फिर आपने कुछ लाया भी नहीं खाने के लिए। और सच बताओ तो फ्रेंड्स, मैं सब बोल रही थी उसे चलने के लिए लेकिन उसने कहा कि नहीं वो नहीं जाएगा, वो घर पर ही रहेगा। और सच बताऊँ तो अच्छा ही हुआ, इसलिए कि आजकल वैसे भी कोविड की वजह से भीड़ में बच्चों का जाना, खैर हमें भी नहीं जाना चाहिए बट अब मजबूरी है तो क्या करें, जाना ही होगा, पूरी दुनिया अब शॉपिंग कर रही है तो बस इसीलिए। और फ्रेंड्स,
मुझे अभी रात का खाना भी बनाना है। मैंने अभी चाय भी मैंने नहीं पी, अभी मुझे चाय भी बनाना है। दूध वाले अंकल ने दूध देकर चला गया था तो वो आदि ने रख दिया था, तो फिर मुझे अभी वो दूध भी छानना है, बॉयल करना है, अभी रात का डिनर बनाना है। और अब देखिए मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं, अभी तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, इसलिए कभी मेरा मन बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है करने को। और वैसे भी इतने दिनों से घर में रह रहे कि घर में रहने की आदत हो गई है, तो जब मैं बाहर निकलती हूँ और वहाँ से आने के बाद तो वैसे भी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता था। और अभी तो खैर बहुत दिनों के बाद निकली तो कुछ करने का मन नहीं करेगा। और मैंने अपनी थ्रेडिंग भी आज बनवा ली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी दिवाली शॉपिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कोशिश क्या मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।